देखो मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा ब्रेड क्रम्स है ना, ब्राउन ब्रेड ब्रेड क्रम्स जो रहते हैं, वो एक्चुअली टमाटो सूप में कैसे फ्राई किया जाता है, कैसे कटिंग होता है, तो उसको क्यूब पे कटिंग करने का जो भी हमारा साइड का है, इसको कटिंग करके हटा देते हैं। ओके, तो इसको साइड का कटिंग कर देते हैं, ये हमारा कुछ काम का नहीं है। ओके, अब इसको पहले स्लाइस में मारने का, उसके बाद में छोटा छोटा क्यूब पे कटिंग करने का। ओके, ये सब अलग अलग हो जाएगा। अभी देखो हमारा ब्रेड क्रम्स, ब्राउन ब्रेड क्रम्स रेडी हो गया। ओके, आप इधर आ जाएंगे। तो ये हमारा एकदम पूरा छोटा छोटा हो गया है। ओके, अभी इसको फ्राई करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, इसको कौन सा टेम्परेचर में फ्राई करोगे, कितना टेम्परेचर रहना चाहिए तेल का, उस हिसाब से फ्राई करके मेरे को दिखाओ। ओके, तो ये टेम्परेचर चलो, तो ये हमारा टेम्परेचर है ना, यही टेम्परेचर है ना शांतनु? हाँ, यही टेम्परेचर है। अभी इसको ना थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से हिलाने का, ठीक है, ताकि सब जगह से ब्राउन हो, नहीं तो अगर इसको छोड़ दो ना नीचे से ब्राउन हो जाएगा और ऊपर से व्हाइट ही दिखेगा, तो इसको अच्छे से हिलाने का। ओके, अभी थोड़ा हमारा ब्रेड जो ब्राउन होने वाला है ब्रेड, अरे मेरे को नहीं आता है। अच्छा, तो ये हल्का हल्का हमारा ब्राउन हो गया शांतनु, ठीक है, ठीक है सर। ओके, अभी थोड़ा सा और इसको रखते हैं। ओके, वो अभी बराबर होने लगा ना जी, अभी ब्राउन, हाँ अभी ब्राउन होने वाला हो चुका है, तो अभी और थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। हो गया, निकाल दो, दिखा दो एक